किसी की सक्सेस से तकलीफ नहीं होती है, किसी ने अगर अच्छा काम किया तो मुझे तकलीफ, यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत पेन होता है कि इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को, उसके बाद भी पानी जैसा अहम मुद्दा हम सॉल्व नहीं कर पाए। आजकल की जनरेशन के एक्टर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब और इफ यू हैव टू गिव एन एडवाइस टू, आई नो दैट यू डोंट बिलीव इन एडवाइस, but if you have to tell somebody to what is acting in, what should they do to while acting, what is it that they have to keep in mind? Truth, depth, and timelessness. Wow. जो हर एक्टर ने कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जिसमें ये तीनों चीजें रही है, आपका सारांश देख लीजिए, नसीर भाई के कुछ परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, दिलीप साहब के देख लीजिए, अमित जी के देख लीजिए, लेकिन हर वक्त मटेरियल ऐसा मिलता नहीं है। और जब मटेरियल मिलता कोई एक्टर छोड़ता नहीं है। हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की थी और बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत अलग अलग तरीके से राइवल बनाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने की परेश रावल के पास ये रोल जा सकता है या अनुपम खेर के पास जाता है, बट आई थिंक दैट ये तीन चीजें अगर आपके पास हो, ट्रूथ, डेप्थ एंड टाइमलेसनेस, कोई स्ट्रेस ही नहीं होता इस बात का। बिल्कुल नहीं, बल्कि तारीफ करने का दिल करता है अगर उसने। आपने जब सर में किया था, मैंने आपको कितनी बार आपकी फिल्मों को फोन करके बोला कि कमाल का काम किया है। मुझे किसी ने पूछा था कि आपको तकलीफ है ना, किसी की सक्सेस से तकलीफ नहीं होती है, किसी ने अगर अच्छा काम किया तो मुझे तकलीफ, यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वाकई में घर पे जाकर ट्राई भी करता हूँ, उन्होंने ये चीज की थी, ये चीज मैं कर सकता हूँ, मिरर के सामने बैठता हूँ, सोचता हूँ और लगता है कि नहीं ये क्वालिटी मुझ में नहीं, बड़ी तकलीफ होती है, फिर इतना इनएडिक्वेट फील करता हूँ अपने आप को। लाइफ कैसे चेंज हुई है? मतलब एज एन एक्टर आई हैव शेयर्ड सो मेनी फिल्म्स विद यू, बहुत सारा काम किया, हमारी लाइफ ऊपर नीचे, बट आपकी लाइफ में क्या चेंज आया सिंस यू हैव बिकम एन एमपी मेंबर पार्लियामेंट? वो कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस ना, तो एक जब हम एक्टर थे, ऑफकोर्स ये नहीं थे कि हम नाइव थे या दुनिया के बारे में जानते नहीं थे, बट हम बिल्कुल इन द आई ऑफ द स्टॉर्म में नहीं थे। तब जब पार्लियामेंट में जब बैठते हैं और जो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग विचार सुनाई देते हैं, तो क्योंकि हमारा यूं कहिए कि प्रोफेशन रहा है कि हमारा सोचने का तरीका रहा है दिल से, हम इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो इमोशनल आदमी के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ये, क्योंकि हम सीधा या तो मैं कुछ ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ, व्यग्र हो जाता हूँ, उग्र हो जाता हूँ, तो ये थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। और बहुत पेन होता है कि इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को, उसके बाद भी पानी जैसा अहम मुद्दा हम सॉल्व नहीं कर पाए।